हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं एनटीए के तरफ से नीट एग्जाम के लिए जो कंप्लीट स्टैंडर्ड प्रोसीजर रिलीज की गई है, पब्लिश की गई है, उस एसओपी के बारे में, उस एसओपी में क्या क्या चीज़ें दी गई है, उस एसओपी को सिंपल और सटीक शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें स्टूडेंट के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उससे ये भी निकालने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स के लिए उसमें क्या मैसेज दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एसओपी, एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नीट यूजी 2020 की एग्जाम 13th ऑफ सितंबर 2020 को होनी है। उस एग्जामिनेशन डे के दिन हर एक स्टूडेंट को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने से लेकर के उनके एग्जाम को कंडक्ट कराने और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने तक की कंप्लीट प्रक्रिया के लिए ये एसओपी दी गई है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी गई है कि एक स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे तो उस समय से लेकर के एग्जाम देना और एग्जाम देने के बाद एग्जामिनेशन हॉल से निकलने तक के लिए क्या कंप्लीट प्रक्रिया रहेगी, क्या कंप्लीट प्रोसीजर रहेगी, क्या कंप्लीट ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो ही है एसओपीज जिसके बाद जिसे एनटीए द्वारा रिलीज की गई है। तो इसी एसओपीज को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि इन एसओपीज में क्या क्या चीजें दी गई है। इसे स्टार्ट करते हैं एडमिट कार्ड की बात से। एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली सभी स्टूडेंट्स की नीट एग्जाम की जो एडमिट कार्ड है वो मोस्ट प्रोबेबली 29th ऑफ अगस्त 2020 तक रिलीज कर दी जाएगी। अब इस एडमिट कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन इस बार दी गई है उनके बारे में पहले बात करेंगे। एडमिट कार्ड में जनरल इन्फॉर्मेशन हर एक साल की भांति कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, जैसे कि रोल नंबर के अलावा स्टूडेंट का नाम, पेरेंट्स के नेम और वगैरह वगैरह जैसे डिटेल्स एडमिट कार्ड में डिटेल्स दी गई रहती है। मगर इस साल 2020 को ध्यान में रखते हुए, 2020 में COVID-19 के बढ़ते हुए चीज़ों को देखते हुए प्रोसीजर में चेंजेस किए गए हैं, उसी तरीके से एडमिट कार्ड में भी कुछ न्यू डिटेल्स दिए गए हैं। उन डिटेल्स में क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं उन डिटेल्स को पहले देख लेते हैं। एडमिट कार्ड में सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स दिए गए रहेंगे, तो उन नॉर्म्स को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है कि क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो बेसिक नॉर्म्स क्या क्या नॉर्म्स दिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। दूसरी बात जो अलग है इस बार वो ये दी गई रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइम स्लॉट दिए गए हैं। हर एक साल क्या होता था कि स्टूडेंट्स को एक साथ एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भेजा जाता था, मगर इस साल अलग अलग बैचेस बना करके अलग अलग टाइम स्लॉट में एक एक बैच के स्टूडेंट को अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भेजा जाएगा। उसमें क्या 30 बच्चे या 35 बच्चों का बैच रहेगा। उसमें हो सकता है कि आपके फ्रेंड का जो टाइम स्लॉट हो वो आपके टाइम स्लॉट से डिफर करे, या हो सकता है आपके फ्रेंड का टाइम स्लॉट आपके टाइम स्लॉट से मैच भी कर सकता है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट प्रोवाइड की जाएगी, और वो टाइम स्लॉट आपकी टाइम स्लॉट क्या है वो स्लॉट सेक्शन में एडमिट कार्ड में दी गई रहेगी कि आपको 11 बजे वहां पहुंचनी है सेंटर पे, या 11:30 बजे आपको एंट्री मिलेगी। तो वो एंट्री जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भेजने का जो टाइम है वो टाइमिंग दी गई रहेगी, वो स्लॉट के नीचे लिखी रहेगी। अगर 11 बजे लिखी है तो मतलब आपको 11 बजे एंट्री दी जाएगी, अगर 11:30 बजे समय लिखी गई है तो 11:30 बजे आपको एंट्री दी जाएगी, और उस टाइम स्लॉट में लगभग 30 से 40 स्टूडेंट को एक साथ भेजा जा सकता है। आधे आधे घंटे का वो स्लॉट डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट स्लॉट 11 बजे भेजी जाएगी, सेकंड स्लॉट 11:30 बजे भेजी जाएगी, थर्ड स्लॉट 12 बजे भेजी जाएगी, और इस तरीके से बच्चों के बैचेस को अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर भेजा जाएगा, बच्चों के बैचेस को अंदर भेजा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो तीसरी बात, जो न्यू इन्फॉर्मेशन इस बार के एडमिट कार्ड में रहेगी वो रहेगी लिस्ट ऑफ आइटम्स परमिटेड इन एग्जामिनेशन रूम। जब आप एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे तो आपके पास
क्या क्या चीजें आप लेकर के अंदर जा सकते हो। और उन चीजों के अलावा यूं तो एनटीए की तरफ से कुल पांच चीजें बताई गई है, उन पांच चीजों को ही लेकर के आप एग्जामिनेशन सेंटर अपने जो एग्जामिनेशन रूम है उस रूम में जा सकते हो। उसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो वो कौन कौन से आइटम्स है जो एक स्टूडेंट अपने साथ लेकर के एग्जामिनेशन रूम में जा सकते हैं, वो आइटम्स भी एडमिट कार्ड में दिए गए रहेंगे और लिस्ट ऑफ आइटम्स सेक्शन के अंदर वो सारे आइटम्स दिए गए रहेंगे। साथ में एडमिट कार्ड में इस बार एक हाइपर लिंक भी दिया गया होगा। हाइपर लिंक का क्या मतलब है? HTTP से स्टार्ट होने वाली लिंक हाइपर लिंक कहलाती है। वो हाइपर लिंक आपके एग्जामिनेशन सेंटर के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन सेंटर के लोकेशन के बारे में बताएगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो वो जिस स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है उस स्टूडेंट की जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ है और कैसे जाना है उसकी पूरी GPRS के थ्रू वो बताया जाएगा। और वो एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन को बताएगा कि कहाँ पर किस जगह पर लोकेशन एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड है स्टूडेंट की। तो वो हाइपर लिंक भी दी रहेगी। और एक बात जो एक्स्ट्रा चीजें इस बार दी रहेगी वो PWD कैंडिडेट्स के लिए है। PWD कैंडिडेट्स के लिए जो स्क्राइबर होते हैं, यदि उन्होंने स्क्राइबर का अपना ऑप्शन रखा है, स्क्राइबर मीन्स जो उनके बदले, अगर वो चाहते हैं कि उनके बदले कोई और एग्जाम को लिखे, उनके साथ एक हेल्पर बैठे होते हैं और वो स्टूडेंट के बदले लिखे, क्योंकि ये PWD कैंडिडेट है तो इनके हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए जो इनके हेल्पर होंगे, जो स्क्राइबर होंगे, जो इनके साथ आए होंगे वो भी वो उनके बदले एग्जाम को लिखेंगे। तो उनके बारे में भी जानकारी दी गई रहेगी कि उन्हें उन्हें भी और जो कैंडिडेट हैं उन्हें दोनों को मास्क और ग्लव्स दोनों लेकर के जाना है। तो ये सारी न्यू इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड में इस बार दी गई रहेंगी। अब जब आइटम्स परमिटेड की हम बात कर रहे हैं कि जो जो हमने देखा कि आइटम्स परमिटेड में वो कौन कौन से आइटम्स हैं जो स्टूडेंट्स लेकर के एग्जामिनेशन रूम में जा सकते हैं, जो चीजें स्टूडेंट्स के लिए अलाउड होंगी उन चीजों को देख लेते हैं कि स्टूडेंट किन किन चीजों को लेकर के एग्जामिनेशन रूम में जा सकते हैं और उनके अलावा जो चीजें होंगी वो अलाउ नहीं की जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट को अपना फेस मास्क लेकर के आना है, सभी स्टूडेंट को अपना फेस मास्क लेकर के आना है और अपने हैंड ग्लव्स लेकर के आए। ये दो चीजें लानी एसेंशियल है आपको। अगर आपके पास अपना फेस मास्क है, अपना हैंड ग्लव्स है, वो अगर आप लेकर के जाते हो तो वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज इसके अलावा भी वहाँ पे प्रावधान है कि अगर कोई स्टूडेंट फेस मास्क नहीं लेकर के जाते हैं तो वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे ही उन्हें इन्वेंट्री रूम से निकाल करके फेस मास्क और ग्लव्स जो है वो दे दिए जाएंगे। मगर इट्स बेटर टू गेट योर ओन फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स विद यू। इट्स बेटर टू कैरी योर ओन फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स विद यू। अगर आपके पास अपने फेस मास्क और हैंड ग्लव्स हैं तो ये अच्छा होगा कि आप अपने ही फेस मास्क और हैंड ग्लव्स को लेकर के जाओ। इसके बाद आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हो। आप अपने घर से पानी की जो बॉटल होती है वाटर बॉटल, वो वाटर बॉटल लेकर के जा सकते हो अंदर एग्जामिनेशन रूम में। आप अपने टेबल पे उसे अपने साथ रख सकते हो, मगर इस बात का ध्यान रखें कि वो जो वाटर बॉटल होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स वाली नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा लेबल्स उसमें लगे हुए नहीं होने चाहिए। वो वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई वाटर बॉटल है तो उसके ऊपर का जो स्टिकर लगे हुए हैं उस स्टिकर को आपने निकाल दिया और वो ट्रांसपेरेंट हो गई, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो आपको पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर के आप जा सकते हो और आपको जाना भी चाहिए। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को एक अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेकर के जाना है। जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं वो अपने साथ एक छोटा हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें। हालांकि हैंड सैनिटाइजर का जो ऑप्शन है, जो प्रावधान है, वो वहाँ सेंटर पे भी है, मगर जो हैंड सैनिटाइजर आप अपना लेकर के जाते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप अपने हैंड सैनिटाइजर लेकर के जा सकते हो और वो आप एग्जामिनेशन रूम में जब एग्जाम के दौरान वो हैंड सैनिटाइजर आपके साथ ही रहेगा, तो वो आप अपने साथ लेकर के जा सकते हो। और इसके अलावा ये इन चार चीजों के अलावा आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? एक तो एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की आपको फोटोकॉपी निकालनी है, प्रिंटआउट निकालनी है, और एक फिजिकल कॉपी आप लेकर के जा सकते हो। आपको जाना है
एक तो आपको एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के जानी है, दूसरी जो आईडी प्रूफ है आपको वो आईडी प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी आपको, ओरिजिनल जो आईडी प्रूफ है वो आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। उन आईडी प्रूफ में कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकती है, पासपोर्ट हो सकती है, या फिर वोटर आईडी हो सकती है, या फिर आप चाहें तो आधार कार्ड भी लेकर के जा सकते हैं। पांच चीजें जो मैंने आपको बताई, फर्स्ट हैंड मास्क, सेकेंड फर्स्ट फेस मास्क, सेकेंड हैंड ग्लव्स, थर्ड पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, फोर्थ पर्सनल स्मॉल हैंड सैनिटाइजर, और फिफ्थ एग्जामिनेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड और आईडीज हो गए। तो ये चीजें आप लेकर के जा सकते हो, ये चीजें आपको एग्जामिनेशन रूम में अलाउ की जाएगी अंदर लेकर के जाना। अब जब वहां पे आप जाओगे, जब आप सेंटर पे पहुंचोगे तो आपके साथ क्या क्या चीजें होंगी, वो चीजें उन चीजों पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर सेंटर पे कैंडिडेट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या है। कि अगर कोई स्टूडेंट वहां पे पहुंचा है, उस स्टूडेंट की थर्मल चेकिंग होगी, फिर फ्रिस्किंग होगी। तो ये थर्मल चेकिंग होने के बाद कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आते हैं, तो टेम्परेचर जो आ रही है उस टेम्परेचर पे स्टूडेंट के साथ क्या रिएक्शन रहेगा, स्टूडेंट के साथ क्या ट्रीट किया जाएगा स्टूडेंट के साथ, और फिर फ्रिस्किंग जो है वो फ्रिस्किंग क्या है, किस तरीके से फ्रिस्किंग की जाएगी, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगी। किसी स्टूडेंट को अगर किसी स्टूडेंट का अगर टेम्परेचर ज्यादा निकलता है तो उस स्टूडेंट के साथ क्या किया जाएगा, इसकी भी एक कंप्लीट प्रोसीजर दी गई है। तो देख लेते हैं कि वैसे स्टूडेंट जब स्टूडेंट वहां पे पहुंच हैं तो उनके साथ क्या क्या चीजें होंगी, और उन चीजों के ऊपर बेस्ड क्या क्या चीजें और आगे हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही कैंडिडेट वहां पे पहुंचते हैं तो कैंडिडेट को रिपोर्ट करनी है, जो एडमिट कार्ड में जो स्लॉट दी गई है, टाइम स्लॉट दी गई है, उसी टाइम स्लॉट पे स्टूडेंट को रिपोर्ट करनी है। तो आप देख लेना अपने एडमिट कार्ड में क्या टाइम स्लॉट दी गई है, 11 बजे का है, 11:30 बजे का है, 12 बजे का है, क्या टाइम स्लॉट है, वो आपकी रिपोर्टिंग स्लॉट है। उतने बजे ही आपको अंदर भेजा जाएगा, आपके ऊपर सारी चेकिंग वगैरह की जाएगी, और जो भी थर्मल चेकिंग और थर्मल गन से चेकिंग और जो भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, वो सारी चीजें आपको उस टाइम स्लॉट से आपके ऊपर करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम है, उस रिपोर्टिंग टाइम में आपको आपके बैच के साथ अंदर भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, और उसके बाद सबसे पहले आपकी थर्मल चेकिंग होगी। थर्मल चेकिंग मीन्स टेम्परेचर चेक किया जाएगा, जो आप देखते होंगे कहीं बाहर जाते होंगे, किसी शॉप में जाते होंगे, तो थर्मल गन रहती है, उस गन से टेम्परेचर की चेकिंग की जाती है। तो थर्मल गन से टेम्परेचर की चेकिंग की जाएगी। टेम्परेचर अगर 99.4 डिग्री एफ फारेनहाइट से कम है तो आपको फ्रिस्किंग के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्रिस्किंग के लिए भेज दी जाएगी। फ्रिस्किंग मीन्स आगे की चेकिंग वगैरह जो की जाती है, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग वगैरह की जाती है, उस चेकिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा, जो इसके बाद का स्टेप है। अगर आपकी थर्मल चेकिंग में अगर आपकी टेम्परेचर 99.4 डिग्री एफ फारेनहाइट से ज्यादा रहती है तो आपको आइसोलेशन रूम में भेज दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ, आपको एक सेपरेट रूम है, उस सेपरेट रूम में भेज दिया जाएगा, और उस सेपरेट रूम में 15 से 20 मिनट के बाद आपकी वापस से थर्मल चेकिंग की जाएगी, आपके वापस से टेम्परेचर चेक की जाएगी। और हो सकता है बहुत समय ऐसा होता है कि 15 से 20 मिनट में टेम्परेचर नॉर्मल आ जाती है, क्योंकि कुछ गर्मी, कुछ स्ट्रेस के वजह से भी कभी कभी टेम्परेचर बढ़ती है, तो ऐसा होता है। तो इसलिए स्टूडेंट को अगर 99.4 डिग्री एफ से ज़्यादा उनकी टेम्परेचर उस टाइम में थर्मल चेकिंग के दौरान नापी जाती है तो उनको आइसोलेशन रूम में भेजा जाएगा। आइसोलेशन रूम में दोबारा से 15 से 20 मिनट के अंदर उनकी थर्मल चेकिंग होगी, हो सकता है वो नॉर्मल भी आ जाए, 99.4 डिग्री एफ से कम हो जाए, और उसके बाद उनकी पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी और फ्रिस्किंग की जाएगी। फ्रिस्किंग का क्या मतलब है कि मान लेते हैं आपकी जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, थर्मल गन से टेम्परेचर को चेक की गई, आपकी टेम्परेचर 99.4 डिग्री एफ फारेनहाइट से कम है, तो आपको एक अगले लेवल पे भेजा जाएगा जहां पे आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग क्या होगी कि पहले 2019 तक क्या होता था
कि बॉडी को टैप करके चेकिंग की जाती थी कि कुछ ऐसे मिस्चीवियस आइटम्स तो नहीं है, कुछ ऐसे अनवांटेड आइटम्स तो स्टूडेंट कैरी नहीं कर रहा या गलती से या फिर किसी तरीके से, टू अवॉइड चीटिंग एंड ऑल, तो कुछ ऐसे जिस चीज की जरूरत एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है वैसी कोई चीजें तो नहीं है, तो उसको पहले टैप करके चेक किया जाता था, हाथ से टैपिंग करके चेक की जाती थी कि वैसी कोई चीज तो नहीं है। मगर इस बार वो हैंड टैपिंग नहीं होगी, वो जो पैट करते हैं वो पैटिंग नहीं होगी, और उसके अलावा क्या होगी, एक लॉन्ग हैंडल का मेटल डिटेक्टर होगा, उस मेटल डिटेक्टर से पूरी बॉडी को चेक किया जाएगा कि कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें तो नहीं है जिस चीज की जरूरत कैंडिडेट को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, ऐसी कोई चीजें तो नहीं है। तो इसी को फ्रिस्किंग कहते हैं। तो ये फ्रिस्किंग ये फ्रिस्किंग जो है, ये इस फ्रिस्किंग को कंप्लीट किया जाएगा, और जब एक बार आपने की फ्रिस्किंग हो गई तो आपको रजिस्ट्रेशन रूम में भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन रूम में जब आप जाओगे तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि एडमिट कार्ड है और आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है या फिर जो भी आपके आईडी प्रूफ है, उस आईडी प्रूफ को चेक किया जाएगा और स्टूडेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी, ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी। तो इस तरीके से फ्रिस्किंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको इनविजिलेटर द्वारा स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि आपकी सीट कौन सी है, आपकी सीट के लिए आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपकी सीट यहां पे है, आप अपनी सीट पर जाकर के बैठ सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। वही सेम चीज है अगर स्टूडेंट की टेम्परेचर 99.4 डिग्री एफ से ज्यादा आती है तो उनको आइसोलेशन रूम में भेजा जाएगा। आइसोलेशन रूम में 15 से 20 मिनट के अंदर उनकी वापस से थर्मल चेकिंग की जाएगी, और अगर दोबारा से जब थर्मल चेकिंग की जा रही है और टेम्परेचर डाउन, मतलब 99.4 डिग्री एफ से कम नहीं हुई, अभी भी वो ज्यादा ही है, तो फिर उनकी अलग से फ्रिस्किंग की जाएगी, मतलब मेटल डिटेक्टर से उनको पूरा चेक किया जाएगा, और फिर उनको आइसोलेशन रूम में, एक सेपरेट रूम में ही बैठकर एग्जाम देना होगा। इससे अलग और कुछ बात नहीं है। तो ये चीजें दी गई है, उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर उनको स्पेसिफिक सीट के लिए भेज दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, एक तो सबसे पहले एडमिट कार्ड आपकी चेक की जाएगी, आईडी प्रूफ आपकी चेक की जाएगी, आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ होनी चाहिए। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट गए हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चेक की जाएगी, और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट गए हैं वो अपने स्क्राइबर को लेके गए हैं तो उनके परफॉर्मा को भी देखा जाएगा कि उनकी जो अंडरटेकिंग है वो अंडरटेकिंग चेक की जाएगी। तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। एक बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई तो उसके बाद जैसा मैंने बताया कि आपको आपकी रिस्पेक्टिव सीट पे भेज दिया जाएगा कि वो आपकी सीट है, उस सीट पर जाकर के आप बैठकर एग्जाम दे सकते हो। अब यहां पर पेरेंट्स के लिए भी कुछ बातें हैं जो इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में दी गई है, उन पेरेंट्स को आश्वस्त करने के लिए कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं, उनके स्टूडेंट्स के ऊपर कोविड का खतरा नहीं है और उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें काम रहने की जरूरत है। इसके लिए भी एनटीए ने कुछ बातें कही हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। फिर इन्वेंटरी रूम्स बनाए गए हैं जिसमें फेस मास्क और हैंड ग्लव्स रखे जाएंगे, और फेस मास्क और हैंड ग्लव्स, जैसे कोई स्टूडेंट आता है उनके पास फेस मास्क या फिर हैंड ग्लव्स नहीं होते हैं तो उन्हें वो फेस मास्क और हैंड ग्लव्स प्रोवाइड किया जाएगा। कैंडिडेट अपने अपने घर से लंच बॉक्स लेकर के आ सकते हैं, मगर लंच बॉक्स अंदर एग्जामिनेशन रूम में अलाउड नहीं होंगे, या तो आपको अपने लंच को एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही खत्म करना होगा, या तो आप एग्जाम खत्म होने तक का वेट कर सकते हो, एग्जाम जब एक बार खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप लंच कर सकते हो। तो आप स्टूडेंट को अलाउड है कि पेरेंट्स को अलाउड है कि वो स्टूडेंट को लंच बॉक्स भेज सकते हैं, लंच भेज सकते हैं, साथ में ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में पानी भेज सकते हैं कि वो, क्योंकि वो जो पानी है वो पानी वो लेकर के स्टूडेंट एग्जामिनेशन रूम में बैठ सकते हैं। तो ये चीजें पेरेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि सभी तरीके से आश्वस्त किया गया कि
एनटीए जो है वो प्रॉपर मेजर्स ले रही है इन चीजों स्टूडेंट्स की सक्सेसफुली एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए जो जो भी मेजर्स की जरूरत है वो प्रॉपर ढंग से ले रही है, इसलिए ये चीजें बताई गई है। साथ साथ में स्टेट चीफ सेक्रेटरी जो सिटी के स्टेट सिटी के डीजीपी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं या फिर स्टेट चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको भी एग्जामिनेशन के दिन पूरा इन्वॉल्व किया गया है कि उन्हें भी जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको मेंटेन रखने के लिए इन सब अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो इस तरीके से पेरेंट्स को भी आश्वस्त करने के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें एनटीए की तरफ से बताई गई है जो कि देखने लायक है। अब जब 13th of September 2020 को एग्जाम है तो देखने वाली बात यही रहेगी कि किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और इस तरीके से ये चीज़ें टोटली गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी गई है कि देख गवर्नमेंट जब चाहे अपने प्रॉपर मेजर्स लेकर के एग्जाम को कंडक्ट करा सकती है, तो अगर 13th of September 2020 के दिन एग्जाम्स कंडक्ट होती है तो देखने वाली बात यही रहेगी कि कितने जो एसओपीज इन्होंने एनटीए की तरफ से जारी किए गए हैं उन एसओपीज पे कितना काम होता है या इसे प्रॉपर ढंग से फॉलो किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। आई होप इन एसओपीज को बहुत ही अच्छे ढंग से फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि करियर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स की लाइफ है, तो इसलिए आई होप कि इन एसओपीज को अच्छे से ढंग से फॉलो किए जाएंगे। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और एक बात, एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले जो एसओपीज इनकी तरफ से एनटीए की तरफ से जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उन गाइडलाइंस को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, और स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी एक बार इसे अच्छे से ढंग से पढ़ लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को अच्छे से देख लेना चाहिए और उसके बाद ही स्टूडेंट को भेजना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन जहां हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।